फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही बर्निंग टॉपिक के बारे में, जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, कि इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और दोस्तों क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो हम सबसे पहले हम इनकम को लेकर के बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जॉइंट फैमिली के अंदर जो नंबर ऑफ पीपल होते हैं वो ज्यादा होती है, तो दोस्तों जो इनकम है वो भी ज्यादा होती है, लेकिन दूसरी तरफ उसमें मेंबर ज्यादा होने की वजह से इसके खर्च भी काफी ज्यादा होते हैं, तो थोड़ा सेविंग के लिए दोस्तों कम स्पेस बचता है। जबकि न्यूक्लियर फैमिली में क्या होते हैं, मान लीजिए कम कमाने वाले हैं लेकिन जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी कम होते हैं, तो यहां पर जो सेविंग का जो स्पेस है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और इसीलिए आज आप समाज में देख भी सकते हैं कि लोगों को कहते हुए या उनको अपने जीवन में दोहराते हुए कि भैया हम तो इतना कमाते हैं और जो हमारा पैसा है वो उनके लिए यूज कर लिया जाता है, या जो हमारा पैसा है वो उनके लिए क्यों यूज किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, सेविंग के चलते और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते भी जो हमारी जॉइंट फैमिलीज हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही हैं। लेट्स सी आवर नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रिवेसी। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जॉइंट फैमिली के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो आपके लिए अपना पर्सनल स्पेस नहीं बचता है। कहने का मतलब यह हुआ कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है अपने लिए। मतलब कि आप अगर रूम में हैं तो आपका कजन आपके साथ होगा, या आप बाहर हैं तो भी आपके साथ कोई ना कोई फैमिली मेंबर होता है। मतलब कि आप हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं, और कुछ लोगों को यह पसंद नहीं होता है। कुछ लोग इसे पसंद करते हैं लेकिन कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते, वो थोड़ा प्राइवेट स्पेस चाहते हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन दोस्तों न्यूक्लियर फैमिली में यह थोड़ा नहीं मिल पाता है, इसलिए भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और जो जॉइंट फैमिलीज हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। सर, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा प्राइवेट समय हो, अगर मेंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स ज्यादा ना हो, तो बच्चों के बिगड़ने का कहीं ना कहीं खतरा होता है। तो ये एडवांटेज है वहां पर कि प्रिवेसी नहीं है, यहां प्रिवेसी है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि यहां पर बच्चों के बिगड़ने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। दोस्तों हमारे जो बच्चे हैं जॉइंट फैमिली के अंदर बहुत अच्छी अच्छी कुछ बातें सीखते हैं। वो कौन सी बातें दोस्तों? वो हैं टॉलरेंस, वो है डिसिप्लिन, वो है शेयरिंग, वो है केयरिंग। देखिए दोस्तों, जब आप एक जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हैं तो आपके जो चाचा ताऊ या जो आपके बड़े होते हैं वो आपकी गलतियों पर आपको डांटते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बार बार डांट पड़ती है, जब बार बार आपकी गलतियों के लिए आपको डांटा जाता है तो कहीं ना कहीं आप में डिसिप्लिन पैदा होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप में पेशेंस आता है। और घर में कोई चीज आई, मान लीजिए 1 किलो एप्पल्स आए, लेकिन दोस्तों जॉइंट फैमिली में वो सभी में बटेंगे, हर किसी को बराबर मिलेगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें। इससे भी दोस्तों आप में टॉलरेंस आती है, शेयरिंग आती है, और ऐसा नहीं है मजबूरी होती है, नहीं, आप सभी के साथ में उसको बांटकर भी खाना चाहते हैं। जबकि न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, आप होते हैं बादशाह। इट मींस आपको किसी को कुछ नहीं बांटना, आपको किसी को कुछ नहीं देना, आप सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, अपने लिए और मेरे लिए, अपने लिए और मेरे लिए। मतलब कि दोस्तों आप कोई भी चीज शेयर नहीं करते, वहां कोई होता ही नहीं जिसके साथ में आप शेयर करें। और आप में दोस्तों ना पेशेंस होता है, ना केयरिंग होती है, ना शेयरिंग होती है, ना डिसिप्लिन होती है। अगर ये बात झूठ है तो आज आप समाज में थोड़ा सा झांक करके देखिए, ये सारी बात सच है। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छा लगा होगा। देखिए दोस्तों अगला देखते हैं। हिंदुस्तान दोस्तों क्या है? हिंदुस्तान फेस्टिवल्स की भूमि है। यहां पर हर महीने या हर 2 महीने के बाद में एक बड़ा फेस्टिवल होता है। और देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि विदाउट मेंबर्स क्या फेस्टिवल। अगर आपके परिवार के लोग, अगर आपके अपने अपने साथ ना हो, तो दोस्तों आपका जो फेस्टिवल होता है वो बहुत अच्छा नहीं लगता है। जैसे कहा जाता है कि ऊंचाई पर चले जाओगे, इट्स ओके, लेकिन ऊंचाई पर जाने के बाद कोई ये तो हो देखने वाला कि भैया तुम ऊंचाई पर हो, जब तुम्हारे पास वहां कोई है ही नहीं है, तो आपकी ऊंचाइयां आपको फीकी लगेंगी। So, वैसे दोस्तों अगर आपने त्योहारों का आनंद लेना है, अगर आपने अपने हर त्योहार को, अपने हर बर्थडे को, अपने हर एनिवर्सरी को ग्रैंड बनाना है, तो एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। सो देखिए दोस्तों, जॉइंट फैमिली के अंदर ये जो हमारे भाई बहन जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, ये हमारी हर चीज को बड़ा, बहुत बड़ा और बहुत बड़ा बना देते हैं।
दोस्तों न्यूक्लियर फैमिली में गिनती के 2-3-4 मेंबर्स होते हैं और फेस्टिवल का आनंद आप नहीं ले पाते हो। बेहतर है कि हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ ना बढ़े, जॉइंट फैमिली में उस रस को, उस आनंद को जिए जो एक परिवार जीता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट पसंद आया होगा। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है दोस्तों ट्रबल। देखिए जिंदगी क्या है, जिंदगी एक चैलेंज माना जाता है। ये कुछ गेम की तरह है कि एक चैलेंज खत्म हुआ, दूसरा चैलेंज आ गया, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा आ गया। अब न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली के अंदर आपके गिनती के लोग होते, आपके बच्चे, आपकी वाइफ। अगर आप किसी प्रॉब्लम में आ जाएं तो आपकी मदद कौन करे, या तो आपको कोई अच्छा दोस्त हो जो आपकी प्रॉब्लम में मदद करे। लेकिन दोस्तों जॉइंट फैमिली में क्या होता है, जब भी आप प्रॉब्लम में होगे तो घर के सारे मेंबर्स आपके साथ खड़े हो जाएंगे उस प्रॉब्लम से जीतने में, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने में आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े होंगे। यह सबसे बड़ा गुण है दोस्तों जॉइंट फैमिली का। आप रास्ते पर अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो दोस्तों, आपके साथ आपका पूरा परिवार खड़ा होता है, आपके लोग खड़े होते हैं मुसीबत से लड़ने के लिए। तो जॉइंट फैमिली में आपके पास लोग होते हैं प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, न्यूक्लियर फैमिली में आपको कहीं ना कहीं अकेले ही लड़ना पड़ता है और कई बार आप प्रॉब्लम में ऐसे फंस जाते हैं कि आप अकेले लड़ भी नहीं पाते हैं। सो आई होप कि आपको यह पॉइंट पसंद आया होगा कि न्यूक्लियर फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स में आपके साथ बहुत कम लोग हैं और जॉइंट फैमिली में आपका पूरा परिवार पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा होता है। देखिए दोस्तों हमें एक बात और समझनी पड़ेगी कि जॉइंट फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिली क्यों बन रही हैं। दोस्तों उसका कारण है हमारी इकोनॉमीज। देखिए दुनिया के शहरों को अगर आप देखें, दुनिया के डेवलपिंग मॉडल को अगर आप देखेंगे तो ये सिटी ओरिएंटेड है, मतलब कि ये शहरों को और बड़ा और बड़ा और बड़ा बनाती जा रही है, गांव के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं ये लोग। दोस्तों जब आप का शहर बड़ा होता है और गांव में ज्यादा रोजगार नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है गांव के लोगों को शहर आना पड़ेगा और आपकी जो फैमिली है वो ऑटोमेटिकली ही न्यूक्लियर हो जाएगी। आप देखते हो कि आज हमारे मुंबई, दिल्ली या दूसरे जो भी बड़े शहर हैं, आप देखेंगे वहां पर हजारों की संख्या में अपार्टमेंट्स बने हुए और उन अपार्टमेंट्स में हजारों गांव से आए हुए लोग रह रहे हैं। कारण क्या है कि वहां पर रोजगार नहीं है, रोजगार की तलाश में उन्हें यहां आना पड़ता है और गांव को छोड़कर के लोग शहरों में रह रहे हैं और पहले पूरे भरे पूरे परिवार में रहा करते थे और आज अकेले रह रहे हैं। सो दोस्तों जो हमारी इकोनॉमीज डेवलप कर रही हैं, जो ग्रो कर रही हैं, वो इस मैनर में कर रही हैं कि हमें सिटी में आना ही पड़ता है, हम चाहें या ना चाहें हमें न्यूक्लियर फैमिली में रहना ही पड़ता है। चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा अगला पॉइंट क्या है। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों जो जॉइंट फैमिली होती है उसके अंदर जो यंगर लोग होते हैं, जो जवान बच्चे होते हैं, उनको ज्यादा वेटेज नहीं दिया जाता, उनकी बातों को ज्यादा वजन नहीं देते कि तुम तो बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं है, ये वाला डिसीजन ठीक नहीं है या ये वाला बिजनेस नहीं काम कर पाएगा, उनको दोस्तों डिसीजन नहीं लेने दिया जाता। उनको लगभग पूरी जिंदगी बड़ों के डिसीजंस को फॉलो करना पड़ता है और एक समय आता है वही घर का छोटा बच्चा रिबेलियन हो जाता है, रिबेल कर जाता है, पूरे घर वालों से लड़ जाता है और वो एक न्यूक्लियर फैमिली को जन्म देता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखिए बड़े पौधों को तो सुरक्षित रखना ही है लेकिन छोटा पौधा भी हमारे घर में बढ़े, कुछ नया, कुछ अच्छा और हमारे घर में ऐड हो, इसके लिए हमें छोटों को सुनना पड़ेगा, छोटों के डिसीजंस को भी कंसिडर करना पड़ेगा। इसीलिए न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में आपके पास लोग हैं आपकी बात को सुनने के लिए, आप खुद के डिसीजन लेते हैं, उन डिसीजंस पर मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो हमें कहीं ना कहीं यह सोचना पड़ेगा कि बड़ा पेड़ इट्स ओके, लेकिन जो छोटे पौधे हैं उनकी भी हमें रक्षा करनी पड़ेगी, उनके भी डिसीजंस को हमें सुनना पड़ेगा, उनकी बातों को भी हमें अपने बिजनेस में, अपने परिवार में इंक्लूड करना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों न्यूक्लियर फैमिली और बढ़ती जाएंगी। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।